Get him in the corner. Come on. Come on, punch him, punch him. That's it. Back, back, back. That's it. Forward, forward, forward. Mr. Whitmore. Meet Mr. Gaurav from North Zone. Sir, nice to meet you, Mr. Gaurav. My pleasure, sir. My pleasure. I've seen the tapes you gave Mr. Shetty. I'm very impressed. Very impressed. Thank you, sir. Whoever's been training you is extremely good. Yes, sir. But I don't want good, sir. I want the best. Ehsan. Gaurav se mila kar sachmuch tune bahut bada ehsan kiya hai mujh par. ऐसा लगता है जैसे तीसरा बेटा मिल गया हो। एक अजीब सी शक्ति चली है मुझ में। अब लगता है मरने से पहले अपनी जिंदगी पर लगा वो कलंक मैं धो सकूंगा। I'll die with a clean slate, सर। अरे गौरव, बड़ी लंबी उम्र है बेटे। अभी तुम्हें याद कर रहे थे। कैसे हो? ठीक हो ना? बाबूजी कैसे हैं? सर वो आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी सर। इफ यू डोंट माइंड सर, मे आई? क्या बात? श्योर। बाबूजी तो ठीक है ना? सर मैं मुंबई गया था, वहां मैं वेस्ट जोन बॉक्सिंग एसोसिएशन भी गया सर। हम उनके सामने कितने पीछे हैं सर, वो लोग कितने हाईटेक हैं और हम? अरे एहसान सुना तुमने, बाबूजी की बीमारी के बावजूद ये वहां बॉक्सिंग देखने चला गया वेस्ट जोन में। दैट इज द स्पिरिट, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। लेकिन सर हम यहां से कैसे मैच करेंगे? हाईटेक के लिए मैं तुम्हें दिल्ली ले जा रहा हूं। लेकिन बेटे, लड़ाई जोश, जुनून और हिम्मत से जीती जाती है। सर, आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर। मैंने आपसे झूठ कहा था, वो मेरे पिताजी की तबीयत के बारे में। एक्चुअली सर, मैं मुंबई गया था ऑस्ट्रेलियन कोच मिस्टर व्हाइटमोर से मिलने। And he's agreed to coach me. इसलिए मुझे आपको छोड़ना होगा सर। What are you talking? I'm going to West Zone, sir. अरे तुम ऐसा? Come inside the cabin. बेटे मैं अभी यही कह रहा था कि मुझे तीसरा बेटा मिल गया है। मेरे माथे पे वो जो कलंक का टीका लगा उसे मैं धो सकूंगा। और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है? मैं तो बॉक्सिंग छोड़ चुका था बच्चे, जब से तू आया तूने कहा मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, और अब जब मेरे अंदर वो हसरत पैदा हो उठी तू मुझे छोड़कर जा रहा है। I'm really sorry, sir. ऐसा मत करो मेरे साथ। ये आपके पैसे सर। गौरव, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, फॉर गॉड्स सेक डोंट डू दिस टू मी। I'm sorry. गौरव, गौरव, Why the hell you're leaving me? क्या कमी है मुझमें? क्यों छोड़कर जा रहे मुझे? Because he is a better coach than you, sir. सच्चाई यह है कि मिस्टर व्हाइटमोर ने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियंस बनाए हैं। आपने कितने बनाए सर? और आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी हैं सर। No hard feelings, sir. But I can't get emotional about my career. Gaurav! Sir! बस भी कर दो के बस। पापा? कितने चैंपियन बनाए हैं आपने? बनाए हैं आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी हैं। You dissed me. I hate you. Papa! I hate you! No, Papa, stop it! Papa, stop it! Stop it, Papa! Please stop it! Papa! How could you touch me? How could you do that to me? How
How could you? See, this is a case of motor and psychological dissociation. मतलब इसका हाथ आगे भी move होगा ना? I think a miracle has happened. All our prayers have finally been answered. जब मैं अमेरिका में medicine study कर रही थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि what could I do to help you? जानते हो क्या हुआ है? बचपन में तुम्हें जो brain injury हुई थी वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट हील हो गई थी बट साइकोलॉजिकली यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट बस एक ट्रिगर की जरूरत थी और अब तुम्हारे ब्रेन के दूसरे हिस्से ने भी काम करना शुरू कर दिया है अब मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगा मामा ठाकुर ये ज्योति इसे भी शंकर बिहारी की तरह गाना गाने की आदत है अरुण के साथ तुम्हें अरुण चाहिए जी लेकिन वो तो सपना से प्यार करता है टूट जाएगा वो प्यार बस हम तुम्हारी कुछ अश्लील तस्वीरें खींचेंगे जी कहाँ उसके घर में लेकिन लेकिन वहां तो उसकी माँ होगी सुना है वो हमारे डर से भाग गई है तीर्थ यात्रा पर मैं भी अरुण को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अरुण आप अच्छी लग रही हो तुम हमें जिंदा से ज्यादा मुर्दा काम आओगी पैदा होगी सपना के दिन में अरुण के लिए नफरत तेरे दिल का हाल जानती हूँ बेटी लेकिन मामी देखा ना बेटी मैं क्यों उसके खिलाफ था अब तो वो खूनी भी निकला नहीं मामा जी कोई अरुण को फंसाने की कोशिश कर रहा है कौन हो सकता है वो कौन
तस्वीरें अच्छी है ना सरकार, इसलिए सोचा आपको दिखा दूं। क्या चाहते हो? अमीर बनना चाहता हूं सरकार, आपकी तरह। रख लीजिए, नेगेटिव मेरे पास है। ये फोटोग्राफ्स किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, लेकिन अरुण को इस केस में फांसी के फंदे पर चढ़ाना तुम्हारा काम है। इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। भाई साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि अरुण अदालत में खुद ही कबूल कर ले कि ज्योति का खून उसने किया है। अगर ऐसा हुआ तो अरुण के गले में फांसी का फंदा होगा। और सपना के दिल में उसके लिए नफरत। ज्योति का खून किया है तूने, ये तुझे कबूल करना पड़ेगा। नहीं सखना बेटी, मामी जी मुझे अरुण से मिलना है। उसे कोई नहीं मिल सकता बेटी, न जाने कौन सी जेल में ले गए उसे पुलिस वाले। मामी जी उसे मारेंगे तो नहीं ना, उसे कुछ करेंगे तो नहीं ना मामी जी। बोल, ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे? बोल, ज्योति का खून किया है तूने? बोल, ज्योति का खून किया है तूने? नहीं किया है? हाँ बोल, बोल, बोल। बोल हाँ, बोल हाँ। नहीं है इंस्पेक्टर, तू थक गया या तेरा डंडा थक गया? सब सब पानी। वो देख, किसी ने तेरा घर जला दिया। अब भी तूने अगर खून नहीं कबूल किया ना, तेरे साथ जुड़ी हर चीज जला दी जाएगी। अरुण, वो मुझे खून के जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे पागल कर देना चाहते हैं। लेकिन लेकिन जब तक सपना का प्यार मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरुण, बोल, छोड़ दे मेरी मां को, छोड़ दे। नहीं इंस्पेक्टर, छोड़ दे मेरी मां को, मैं कहता हूं छोड़ दे मेरी मां।
प्लीज मेरी बात को छोड़ दो। बिचारी बोल बोल बोलूंगा, सब बोलूंगा, छोड़ दो मेरी बात को, प्लीज प्लीज छोड़ दो मेरी बात को। अच्छा लड़का है योर ऑनर। शायद अरुण सक्सेना अदालत से कुछ कहना चाहता है। प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे ज्योति के साथ शारीरिक संबंध थे। मैंने ही ज्योति का खून किया है। नारू बेटी नारू, मेरी मां तो तुझसे नहीं तेरी जायदाद से प्यार करता था। हाँ भूल जाओ नहीं मामी जी, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भुला पाऊंगी। मैं उसे एक बार जरूर मिलूंगी। सपना सपना, मैं जानता था तुम जरूर आओगी, तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास होगा। तुम्हारे मामा ने मेरी मां को बंदी बना लिया था, अगर मैं जुर्म कबूल ना करता तो उसे मार डालते। तुम्हारे मामा कितने झूठ बोलोगे अरुण। सपना, सातों जन्मों की कसमें खाने वाला इतना बेवफा निकलेगा ये मैं नहीं जानती थी। नहीं नहीं सपना, ऐसा मत कहो, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी जायदाद की खातिर तुम्हारे मामा। अरुण बस, तुम खूनी हो, तुम्हारे और ज्योति के नाजायज संबंध थे। तुमने ज्योति का ही नहीं बल्कि मेरे प्यार और मेरे विश्वास का भी खून किया है। नहीं सपना, नहीं, इस अंधी तूफानी रात में बस एक तुम्हारा ही तो सहारा है। अगर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं डूब जाऊंगा, मेरा विश्वास करो। मत छुओ मुझे, इन्हीं हाथों से तुमने ज्योति का भी खून किया है। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए, फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। समझ गया, सब समझ गया। तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो। तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। क्या नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, समझी? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अदालत अपना फैसला सुनाती है। तुम्हें तो फांसी मिलनी चाहिए, फांसी, तुम्हें फांसी से भी बढ़कर सजा वो मिलनी चाहिए। तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए, फांसी से भी बढ़कर सजा वो मिलनी चाहिए। तुम्हें ज्योति का मेरे प्यार विश्वास का खून किया है। तुम्हें ज्योति का नहीं, तुम्हें मेरे का खून किया, अरुण भी खून किया है। अरुण सक्सेना को सजाए मौत दी जाती है, टू बी हैंग अंटिल डेथ। भाई को
तुम मुझे फांसी देना चाहते हो ना? तो चढ़ा दो मुझे फांसी पर, चढ़ा दो मुझे फांसी पर। मैं मरना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ मैं। चढ़ा दो मुझे फांसी पर, चढ़ा दो फांसी पर, चढ़ा दो मुझे। लेकिन मैं मरूंगा नहीं, भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा मैं। इस तरह मेरा अरुण पागल हो गया। सपना ही उसकी ताकत थी। जब उसने उसका साथ छोड़ दिया तो अरुण ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। अदालत ने उसकी दिमागी हालत देखकर फांसी मुलतवी कर दी और उसे पागलखाने भिजवा दिया। मैं अरुण को इंसाफ दिलाऊंगा मां। अब वो उस लड़ाई में अकेला नहीं है, मैं उसके साथ हूं। और मां तू फिक्र न कर, अब तेरा एक नहीं, आज से दो बेटे हैं। पता था तू आएगा, तू जरूर आएगा। बस तेरा आशीर्वाद चाहिए मां, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस एक बार सर पे हाथ रख दे मां। जीते रहो बेटे। पहले एपिसोड में आपका होस्ट अरुण प्रजापति आपका स्वागत करता है। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसी अद्भुत चीजें दिखाएंगे जिसे देख के आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आज के पहले एपिसोड में हमारे साथ हैं हमारे लोहा सिंह जी। जी हाँ, ये लोहा सिंह जी हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने दांतों से मोटरसाइकिल खींची, 15 साल की उम्र में बस और 20 साल की उम्र में ट्रेन का इंजन, और आज अपने दांतों से इस हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक के दिखाएंगे। गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड है 40 सेकंड। ये 20 सेकंड और रोकेंगे, यानी के पूरे एक मिनट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन लोहा सिंह, आई नो यू कैन डू इट, वी ऑल बैकिंग यू लोहा सिंह। लोहा सिंह जी, अपने दांतों से इस हेलीकॉप्टर को रोको, एक मिनट। हिंदुस्तान का आंकड़ों से अरमा। अबे छोड़ तू, क्या क्या हुआ? दो दांत टूट गए। अबे दो टूटे, 30 बाकी है, फिर से एक बार ट्राई करना। नहीं, मुझसे नहीं होगा, बहुत दर्द कर रहा है। अबे यार, मेरी इज्जत का सवाल है, पूरी दुनिया मुझ पे हंस रही है। अबे मेरा फर्स्ट एपिसोड है यार, ये खींचा वो खींचा, प्लीज खींचो क्या? हाँ, मत लगाओ फोन को। सारे स्पॉन्सर्स और मीडिया वाले हमें गालियां देने के लिए फोन कर रहे हैं। इसे उठाकर रख दो। सर, आप सोचते कहां से हैं? जहां से एपी नहीं सोचता है, कहां है वो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एपी। हेलो सर। आइए आइए आइए, अरुण प्रजापति, एपी द ग्रेट, प्लीज आप मेरे चेयर पे बैठिए। सॉरी सर, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इस कुर्सी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों सेक्रेटरी साहब? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, रोज सुबह नीम की डंडी से दातून करने वाला लोहा सिंह का दांत अगर मेरे शो में टूटा है
तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने तुम्हें शो दिया। मानो न मानो, अगर इस तरीके से तुम काम करते रहे तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा, दी एंड। क्यों सर? नहीं सर, नहीं सर, ये मैं हर किसी होने दूंगा सर। सर अगले एपिसोड के लिए सर एक ऐसा लड़का जिसका नाम पुची कपूर। सर पुची कपूर बीच बाजार में नॉन स्टॉप 48 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड को स्मूच करता है सर। सर बस बस बस, आउट, गेट आउट, आई से गेट आउट। बेबी को फिर डांट पड़ी, पता नहीं कौन से ग्रह में पैदा हुआ है बेचारा। आ गया मानो या ना मानो का होस्ट। अरे होस्ट नहीं, घोस्ट है। क्यों बे, बहुत हंसी आ रही तुझे? पूरे के पूरे 40 दांत तोड़ दूंगा एक ही घुसे में। अच्छा दांत तोड़ दूंगा? अबे दांत तो 32 होते हैं। मुझे पता था तू बीच में बोलेगा। अच्छा, इसलिए तेरे भी 8 गिन लिए थे मैंने। अरे बॉस, हमारे दांत तोड़ने में वो मजा कहाँ आएगा जो मजा लोहा सिंह के दांत तोड़ने में आया था। हाय सुनो, गुस्सा उस्सा छोड़ो, आओ सुमरी में आओ, दो लगाते। पहले मुझे उससे बात करनी। अब किससे? जिसने मेरा शो फ्लॉप कराया उससे। हंसो हंसो, अरे जब सारी दुनिया हंस रही है तो ये दुनिया बनाने वाला हंस क्यों नहीं रहा है? वो लोहा सिंह जिसने अपने दांतों से बस खींची, ट्रेन खींची, प्लेन खींचा, उसके दांतों में कभी कुछ दर्द नहीं हुआ। अरे मेरे इस शो में उसका दांत तोड़ना था। सुबह सुबह मेरी माँ ने अखबार में मेरी राशि चेक करके कहा कि बेटा आज तेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन ये तुमने भी पढ़ लिया होगा। और तुम्हें ये कैसे बर्दाश्त कि मेरा दिन अच्छा जाए? एक मैं ही हूँ इस दुनिया में जिसे तुम परेशान करते हो, या कोई और भी है? सॉरी बॉस। ठीक है ठीक है। अरे बटवानी का चल, वे देसी ढक्कन, ये देसी ढक्कन कौन है? चल निकल, चोर। ए चोर किसको बोलता है? ए क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा तू? मेरा है, चल। अरे मेरा है वो। हट, चोर। ए नहीं तेरी, अरे भागता कहाँ रहा है? हट। इधर था वो। हे वो रहा, हे पकड़ो पकड़ो भाइयों। देखिए देखिए, सुने पकड़ो उसको, सुने मेरी बात। अरे मेरा पर्स, मेरा पर्स, मेरे पैसे तो नहीं लिए, पकड़ो उसको। स्टार 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 स्टार। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे का रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या ये स्टार गराज है? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे, आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे साला, देख के नंबर डाल कर। बेवकूफ साले,
हेलो बाबू राव है? नहीं देवी प्रसाद है, बोल। साला रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबू राव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का, वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति ने, मारुति यस टीम टाटा सब मिलता अगर थोड़े जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है बाजू का ग्राउंड में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव? बाबा रे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारा समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है? तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। ना अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है, नाम, नौकरी की, घर। ठीक, घर। घर एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बारे जाओ। देख लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए। तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो ला ना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए। तो 200 चलेगा। देवा आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5-star होटल नहीं है, खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है तो बर्तन धो लेना, चल खोल ही दिखाता हूँ। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है? बाबा मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है। चल, और वो ऐसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया। तू समझा ना? जी। चल ये ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है और उसका टॉवेल टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। ये छोटा बगीचा जैसा बनाया है। और ये हमारा कुआं है। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना? ये तो बहुत गहरा है। तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आ जा संडास दिखा तो। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा? तुमको गाना गाने आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। इस शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए? शैतान? इसने तो बोला था श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। बाबू राव जी इसे गलत फहमी है। ए, चले चल 1, 2, 4 चल निकल यहाँ से, चल। अरे? चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएगा, चल यहाँ से निकल। बात मैं बाबू राव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबू राव से सुनेगा ना तू? बाबू राव मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा, जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। बाबू भैया भजन वाली की कसम मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले चल, ये देखिए बाहर बाहर चल, ये ले तेरा बैग राजू, और चल तू, चल तू। अरे और ये ले तेरा कंबल, निकल यहां से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। रुक जा,
नाम का है तेरा बाबू भैया? बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है, और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम, अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा और अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोगट में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। ये तू अपना सामान उठा और अंदर जा। ठीक है, तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, दो साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा? तू जा ना। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, दो साल का किराया देके जाऊंगा। किसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा? एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। चल, ये मैं। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू वैंक यू नको रे, वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा, दारू दारू, वहां जाके संतरे का बॉटल लेके आ, जा। का है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ। ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। अशोक का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे, और खाना भी वही पकाए। हाँ? और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेट के जैसा मजे मारने का। कल कौन सा दिन रहने का रे? शुक्रवार। हाँ शुक्रवार, बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल, और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा, तू अभी रात को किधर चोर की तरह भटकेगा, सुबह में जा। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के के दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे, कह रही सारा कौवा है रही। प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ए, संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? ए राजो, तू बाहर ही रह, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखो बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन। बाबू भैया, आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, इधर लपक। चाचा, ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया, बाबू भैया। ए पीले गगन में जले मारो बाबू भैया, महाराष्ट्र पकड़ दिया। मेरे को फाइट मारने दे राजू। बाबू भैया, छाती तो छोड़। मेरे को मारने। बाबू भैया, उठा ले। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती धोती। ये ले। दे रे।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊँ? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। हाँ। आप लोगों में से श्याम कौन है? मैं हूँ श्याम। आप जरा यहाँ आएंगे? आपको मुझसे काम है? हाँ मुझसे काम है। देखा देखा? अरे नहीं देखा रहे, उसके देखने से पहले मैंने फट से धोती पहनी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाम के पीछे गोपियाँ कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। बहन होगी? हाँ। इतनी गोरी, आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मे। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने चाहिए। या बार बार इंडियन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक में जाके हल्ला क्यों मचा रहे? हल्ला? ओ नौकरी के लिए? देखिए आप जैसे अच्छे इंसान को ये सब शोभा देता है क्या? गलती उन्हीं की है, मेरे हक की नौकरी वो किसी और को देना चाहते हैं। लेकिन आप? मैं ICICI बैंक से आई हूँ। बैंक के मैनेजर को भी यकीन हो गया है कि इस नौकरी के लिए सही कैंडिडेट कौन है, तो सर आप इस पे साइन कर दीजिए। थैंक्स। मुझे तो पूरा यकीन था कि एक दिन ये नौकरी मुझे ही मिलेगी। कहाँ साइन करूँ? यहाँ। क्या है ये? NOC। मतलब? मतलब इसमें ये लिखा है कि इस नौकरी की अब तुम्हें जरूरत नहीं है और ये नौकरी किसी और को दे दी जाए, इस बात से तुम्हें एतराज नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अच्छा, ताकि शिव शंकर पणिकर के रिश्तेदार को नौकरी मिल जाए। मैं साइन नहीं करूंगा। जाके कह दो अपने बैंक मैनेजर से कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो शिव शंकर पानीपुरी के रिश्तेदार को नौकरी नहीं मिल सकती। नौकरी उसी को मिलेगी क्योंकि उस रिश्तेदार का पूरा नाम है अनुराधा शिवशंकर पानीकर और वो मैं हूँ। लेकिन ये मत समझना कि मुझे हरा कर इस शहर में तुम चैन से नौकरी कर सकोगे। क्यों? तुम यहाँ की क्वीन हो? क्वीन नहीं, बैंडेड क्वीन हूँ, और अगर चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। और इसके साथ ही रेफरी का दोनों मुक्केबाजों को सेकंड का इशारा। What are you doing out there? Don't be overconfident. Hit him hard. Punish him, all right? Come on, Taran!
step back. Don't do the foul. Are you okay? Karan, are you okay? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। उसका लेफ्ट हैंड अभी तक कमजोर है गौरव, और मार उसके लेफ्ट हैंड पर गौरव। एक बार उसका लेफ्ट हैंड उखड़ जाएगा ना, तो गेम हमारे हाथ में होगा। अपना घबराओ, लेफ्ट हैंड बचाना, हेड ऑन पॉइंट्स, घबराओ एंड हिट मार, हिट मार जोर से। Karan, listen to me, you gotta protect your left arm, okay? I'm okay. Are you listening to me? I will. Box. Qualify you. करता हूं आपकी दुआएं इसी तरह अगर हमें मिलती रही तो मेरा बेटा करण पहला हिंदुस्तानी होगा जो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप जीतकर हिंदुस्तान के लिए बेल्ट लाएगा। ये अंगूर है, इसको सड़ाने से शराब बनती है। ये तू उसको सड़ा दो। अरे मैं शराब पीऊंगा। तू फेल हो गया। ये शबाब है। कॉम LLB CAIIB पार्ट वन पार्ट टू मुझे नौकरी मिलेगी। पार्ट टू पार्ट वन सब
इनकलाब, क्रांति होगी, क्रांति, दुनिया बदलेगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको, सबको, सबको। बम, टाइम बम है इस बस में। हेलो, टाइम बम है इस बस में। अबे क्या है, क्यों रो रहा है तू? क्या रो रहा बम है? क्या है? टाइम बम है इस बस में, हम सब मर जाएंगे। अरे मिश्रा देखो यार, कोई मर मरा ना जाए। मिश्रा जी गाड़ी रोके कहा? अरे रोके रोके यार। क्या हुआ अकेला पिएगा? हाँ। क्या पिएगा? अपने घर पर पीऊंगा। किधर है तेरा घर? मेरा घर वो वहाँ क्या? वो उस गली के पीछे और वहाँ पे फ्लैट है। और फ्लैट के पानी पिएगा। अरे पता? मुसम्मी, अरे यही तो है मुसम्मी। कहाँ गया? कहाँ गया? दिखे नहीं रहा है। अरे बुला, अरे उधर। ये आपकी गलती है, आपसे छूटकर भाग गया वो। अरे आप तो थे आगे। अरे आप थे आगे आगे। अरे मिलेगा नहीं ना, तो हॉस्पिटल वाले हमारी हालत कर देंगे। मैं पागलखाने का डॉक्टर हूँ, पागलखाने का। एक नौकरी मिलेगी, एक नौकरी छोटी सी। सबको नौकरी मिलेगी, इनकलाब। ये तस्वीरें ले लो, मुझे माफ कर दो। फालतू बात नहीं है, तेरा टाइम अप हो गया है। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। गुड, गुड, गुड। सुनो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। समझ में नहीं आता, कौन मार सकता है उन्हें? देखो सुनो, रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन आ जाओ। ओके ओके सर। अच्छा।
अच्छी खासी नौकरी थी उनकी। एक दिन कहने लगे कि बहुत बड़ी रकम लेके आएंगे, बाबा ठाकुर के पास काम करते थे ना। उसके बाद वो गायब हो गए। मैं बाबा ठाकुर के पास गई, उन्होंने कहा कि वो दौरे पर गए हैं और आज हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। मैंने बुलवाया है। मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। आपके एक मुलाजिम नाटोर का खून हुआ। हमें नहीं मालूम वो कौन है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कल दोपहर आप कहां थे? हमारे पास सबूत है, कलेक्टर साहब के पास थे, चाहो तो पता करवा लो। तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जाना। ए, क्या है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। ए, क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहाँ ना हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस क्यों आएगा हवेली? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। हवेली पे आ जाना। क्या कहा रामसाजा? बोल फिर से, बोल क्या कहा तूने? मैं किसी बात पे हाथ डाला? फिर बता। कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब को गाली देता? कमिश्नर विक्रम, अरे क्या कर रहे हैं ये? बोल गाली दे विक्रम, गाली छोड़ दो। ये गाली अब चार साले चोर के बड़वे। अरे विक्रम, कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा। क्या हाहाकार? तेरे बाप का राज है क्या? क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है। क्या बात कर रहे सर? ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। चलिए अभी दिल्ली। मामा ठाकुर मेरी बात सुनिए, ये नया है जोशीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबा पे हाथ डाला है, सबके सामने ये माफी मांगेगा। मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग विक्रम। ये आप क्या कह रहे सर? विक्रम मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुझे मैं सर, इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम। बस मामा ठाकुर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। तुम खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते, माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू सर? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दो। My boy, वर्दी गई तो क्या कर लोगे इसके खिलाफ? My dear boy, मांग दो ना माफी। सॉरी, मैं सुना नहीं क्या? I'm sorry। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूं, जोर से बोल। I'm sorry। जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। ए, इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। कमिश्नर साहब, मुझे शख्स का ट्रांसफर चाहिए। तीन दफा उसने आपसे माफी मांगी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की आप तौहीन इस तरह से करते जाएंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। उसने मुझे थप्पड़ मारा, ये बात दिल्ली तक जाएगी। चलो। खून, खून।
थे वो लोग जिन्होंने अरुण पे हमला किया और क्यों? ये तो हम नहीं जानते, पर कल से वो कुछ खून खून कह रहा था। खून खून? कल हमारे बॉर्डर्स की गलती से वो वल्लभ भाई चौक पे वैन से भाग गया था। वल्लभ भाई चौक पे? क्या ये हो सकता है कि अरुण ने किसी का खून होते देखा हो? कौन जाने, पर हाँ इस हमले से पहले उसने अपने सेल की दीवार पे एक तस्वीर बना रखी थी। तस्वीर? कौन थे वो लोग? उन लोगों को अंदर आने दिया? जुल्म किया ना रुपए? बताओ कौन थे वो लोग? बताओ यहाँ के वार्डन्स पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर मेरा बस चलता तो मैं दोनों को जान से मार देता। What? सर उन्होंने अरुण को जान से मारने की कोशिश की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। हमको पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे पैसे? हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं सरकार। गेट आउट, और फिर कभी अपनी सूरत नहीं दिखाना यहाँ। अब सर अरुण का यार है ना, खतरे से खाली नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? सर उसने नेटवर्क का खून होते देखा है, वही अकेला उस खून का चश्मदीद गवाह है। उसके वाला बाई चौक से भागने और पकड़े जाने के दरमियान ये खून हुआ है, और ये खून मामा ठाकुर ने करवाया है। लेकिन क्यों? हो सकता है नटवर ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता था, हो सकता है ज्योति के खून का कोई सबूत आज भी मौजूद है और उसके पानी से अरुण की बेगुनाही साबित हो जाए। सर मैं अरुण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वो बेगुनाह होते हुए भी कैद में है और वो गुनेगार बाहर आजाद घूम रहे। मुझे एक मौका दीजिए सर। विक्रम, मुझे अरुण दे दीजिए सर, मैं मामा ठाकुर के खिलाफ सबूत ले आऊंगा। मगर विक्रम जी, सर ये देश सिर्फ दो ही लोगों पर हंसता है, हिजड़ों पर और हम पुलिस वालों पर, क्योंकि ना ही वो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कर लो डंडा ऊपर। और कर दो चढ़ाई, मैं तुम्हें अरुण देता हूं, तुम मुझे सबूत दो और मामा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा। थैंक यू सर। यू आर वेलकम।
हेलो हेलो जल्दी बाहर तो शराब के दरिए बहते हैं, कुछ कतरे मेरे लिए भी भेज देना। बाहर जाकर मेरी नौकरी की अर्जी दे देना, ये बीकॉम हम ठीक है व्यू। बस नौकरी नौकरी तू जा, भाग जा, क्या भाग जा, हम भागे भी तो कहां, हमारा तो कोई रहा ही नहीं बाहर, पर तू जा, जा भाग जा, लड़ जा के इंसाफ के लिए, बेनकाब कर दे शैतानों को, छत में हो जाए थे, छत में हो जाए थे, इनकलाब। ओ, ये है हमारा जवान, वेलकम। ओ, that's a very good one, son. Come, let's shake hands on this. अरे हाथ मिलाओ जवान, हाथ मिलाओ। There you are. आपकी फिक्र करती है बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। अब आप दोनों यही रहेंगे हमारे साथ, समझे जनाब? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझे? इस दरो दीवार को देखकर लगता है यूं कि इस जहां में अपना भी कोई आशियाना हो। अरे वाह, हमारा शेर तो शायरी भी करता है। अरे वाह शाबाश जवान, चलो इसी बात पे तुम्हें आशियाना दिखाते हैं, चलो। अरे चल यार। बड़ा बावला है मेरा बेटा। ऐसा क्यों कहते हो माँ जी, वो तो कितना प्यारा है। लाओ विक्रम बैग मुझे दे दो। लो मम्मी, हम लेंगे। नहीं चला हम। ओह नो माँ जी, ये यही अरुण का प्यार है और यही उसके पागल होने की वजह, सपना। तो ये मामा ठाकुर की, मैं एक फोन करके आता हूं। शुक्रिया, आपने हमें लिफ्ट दी। You're welcome. वैसे मेरा नाम है विक्रम। Hello, I'm प्रिया। Hi. I'm रितु। Hi. I'm दीपाली। Hi. I'm संजना। Hi. ब्रेक्स फेल। बाय बाय। एक्सक्यूज मी, बाय ब्लडी फूल। एक्सक्यूज मी, विक्रम। हाँ भाभी। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। हम्म, भाभी वो लड़की मिल गई। कौन? अरे हाँ, वो जिसे तुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। बता बता दो कौन है वो, मैं अभी उसके पास शगुन लेके जाती हूँ। ना भाभी ना, ऐसा सोचना भी नहीं। पर क्यों?
लेकिन ये तो। हाँ भाभी, अरुण का प्यार है, प्यार तो उसने किया, हमने तो बस दिल लगी की। विक्रम, अच्छा ही हुआ भाभी, अब जिंदगी में और कोई मकसद ना रहा, सिर्फ एक मकसद के सिवा, अरुण को इंसाफ दिलाना। आप? अरुण का दोस्त। अरुण पागलखाने से बाहर आ गया। क्या वो ठीक हो गया है? बड़ा ख्याल है उसका। क्या जानते हैं आप मेरे और अरुण के बारे में? हाँ, यही कि आपने उसे पागल कर दिया। झूठ, बेवफाई उसने की थी। और आपके मामाओं ने? जानना चाहोगी कि आपके मामाओं ने अरुण के साथ क्या किया? क्या हक है आपको मेरे मामाओं पर इल्जाम लगाने का? इल्जाम लगाने का ही नहीं, गिरफ्तार करने का हक भी है मुझे। क्या जुर्म किया मेरे मामाओं ने? हाँ, उनका जुर्म क्या जानना चाहेगी आप? चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, आइए। ये सारी फाइल झूठ बोलती है, ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। मैं नहीं जानती ये सब क्या है। ये कंप्लेंट्स है मामा ठाकुर के खिलाफ, स्मगलिंग की, काले धंधे की, चोरी की, खून की। ये वो केसेस है जो शुरू तो हुए मगर खत्म नहीं हुए, क्योंकि आपके मामा ठाकुर ने या तो उन लोगों को अगवा करवा दिया या मार दिया, या तो फिर वो लोग मामा ठाकुर के डर से शहर छोड़ के भाग गए। बहुत ऊंची और पक्की आपके महल की दीवारें सपना जी, जहां सच की आवाज आप तक नहीं पहुंचती। और जानना चाहेंगे आपके अरुण पर, आपके चाहते अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? नहीं, आपको सुनना होगा, सुनना होगा आपको। राम सिंह, बताओ इन्हें अरुण पर क्या क्या जुल्म हुए? बहुत मारा था हमारे साहब ने अरुण को डंडों से, फिर उनकी मां को पकड़ लिया गया, बाल खींचे उनके आपके मामाओं ने, बहुत जलील किया उनकी मां को। नहीं, तब जाकर अरुण ने माना कि कोर्ट में जाकर खून का इल्जाम वो कबूल कर लेगा। अरे वो किया उन्होंने अरुण के साथ कि इंसान तो इंसान, जानवर भी टूट जाता, पागल हो जाता। नहीं, चुप हो जाइए। अब आप ही बताइए, कौन है दोषी, कौन है बेवफा, वो या आप? नहीं 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 नहीं, नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगी तुझे मित्रा। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो अरुण, मुझे माफ कर दो। मैं उसे एक बार मिलना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है। प्लीज। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि वो आपको देखकर आप से बाहर हो सकता है। वो मुझे देख नहीं पाएगा। वो कैसे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हमारी हजारीबाग वाली कोठी खाली है, आप उसे वहां ले आइए। कोशिश करूंगा। आपने भी जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया होगा? आपको उस
की कसम। आप अरुण को ले आइए प्लीज प्लीज। हाय हाय झयम पटाखा। अरे दिन में अगर ये सेट हो गई तो रोमांस का बम्पर लग जाएगा। जरूर जा। बोल देना लाजी रंगीले। हाँ बोल। लाठी खुला के नहीं। हाँ ये ले। अरे खुल गया। लेकिन लाठी तो 2 करोड़ का है। हाँ। ये तो मेरे को 500 काई को दे रहे रे। नहीं नहीं लॉटरी नहीं खुली पर तू रख ले रख ले। तो नहीं खुला तो फिर काई को दे रहे। उसको सुन लेगा। ऐसे दिल आ गया तेरे पे। अरे मेरी शादी हुई है दो दो बच्चे मेरे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू वहाँ कर रोज 500 ले जा। मेरा नवरा तुझसे लाख गुना अच्छा है। बहुत प्यार करती मैं उसको और तू मुझे 500 रुपए में खरीदना चाहता है। अरे तू हाथ देना है तो प्यार से देना। अरे ये हाथ कपड़े बर्तन धो सकते हैं हमें नहीं धो सकते। मान जा मान। तीसरा हाथ। तीसरा हाथ इधर से आया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू ये चिचोरी हरकतें मत किया कर। नहीं करूंगा। लेकिन तू बाजी आएगा। बिल्कुल नहीं करूंगा। माफी मांग। बहन जी माफ कर दीजिए। बहन जी माफ कर दीजिए। अगर आज की बात तूने किया तो तेरा टीन टपर उठा के फेंक। नहीं भैया बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बाल छोड़ दीजिए बालों का स्टाइल बिगड़ जाएगा प्लीज। बाल बिगाड़ मेरी बस यही दुकान मिलती है। चलो तेरी 500 रुपया किधर गया। बहुत अच्छी फैमिली थी। इस बार थोड़ा ध्यान रखना प्रभु। ये रिश्ता अगर पक्का हो गया तो मैं 1.25 किलो बेसन के लड्डू का भोग आपको चढ़ाऊंगी। अरे 1.25 किलो की जगह अगर 1.25 क्विंटल का भी भोग लगा लो तभी तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होने वाली। तुम भी ना एलपी 50 बार कहा है शुभ शुभ बोला करो शुभ शुभ। अरे अगर मेरे शुभ बोलने से ही कुछ शुभ होना होता तो आज तक तुम्हारी बेटी ससुराल का लाभ उठा रही होती और तुम्हारा बेटा अब तक अपने पाँव पर खड़ा हो गया होता। ये रो आ गई प्रॉब्लम। अरे आ गया बेटा तू आ गए इस घर के असली 30 मार्खा। लोग 100-100 एपिसोड बनाकर अपना सीरियल खत्म करते हैं। इन्होंने पहले ही एपिसोड में अपनी कहानी खत्म कर दी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अरे बेचारा थका हारा आया है उसे चैन से बैठने तो दो। माँ अगर मैं चैन से बैठूंगा तो ये चैन से कैसे बैठ पाएंगे। पढ़ लिख कर घोड़ा बन गया है लेकिन आज तक जिंदगी की कोई भी रेस नहीं जीत पाया। जिस दिन रेस में उतरूंगा सीधी डर्बी जीतूंगा। 50 बार कह चुका हूँ कि ये चैनल वैनल का चक्कर छोड़ और मेरी जगह म्यूनिसिपैलिटी ज्वाइन कर ले। अरे रिटायर हो गया हूँ तो क्या हुआ आज भी तेरी नौकरी लगवा सकता हूँ वहाँ पर। 50 बार कह चुका हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी को रखिए अपनी जेब में। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता हूँ। उसी कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रहा है। बस कीजिए अब आप बहुत हो गया। अच्छा तो अखबार पढ़ता हूँ कम से कम वापस जवाब तो नहीं देगा ना। रात में तूफानी बेटा आज मिश्रा जी के पड़ोसी मधु को देखने आए थे और मेरा दिल कहता है कि उन्हें तेरी बहन पसंद आ गई है। अरे जिनको तुम्हारी बेटी का बनाया हुआ नाश्ता ही पसंद नहीं आया उनको तुम्हारी बेटी क्या पसंद आएगी। आपको भी यही मिले थे शादी करने के लिए। मैं क्या करती घर वालों ने करती बस। मैं लिख कर देता हूँ मधु की शादी कभी हो ही नहीं सकती। ए, क्या हुआ बाबूजी की बातों को बुरा लगा। एपी हर लड़का ये चाहता है कि उसे चांद जैसी बीवी मिले लेकिन चांद में तो दाग होते हैं ना। अरे यार क्या एक लड़का है मेरे दिमाग में। कौन कैसा है। बिल्कुल बाबूजी की तरह। मैं जलकर सड़कर मर जाऊंगी लेकिन बाबूजी जैसा लड़का थैंक यू सो मच। मॉम डैड ये अपने मोहल्ले में या कौन रहे जिसका बेटे इतने अमीर है। ये टीनू जैसा नहीं क्या मुझे दिख रहा है। हाय एपी टीनू ये 100% हाय टीनू हाय एपी हाय प्रसाद हाय। क्या जद्दा में तेरी लॉटरी शॉटरी लग गई क्या। अरे लॉटरी समझो जद्दा एयरपोर्ट पे मैं लोडर हूँ इंडियन करेंसी में 1,00,000 रुपए तक कमा लेता हूँ। 1,00,000 क्या बात करते ए टीनू तू तो ओनली 10th क्लास ना। भगवान की कृपा। और तू क्या कर रहा है एपी तेरा भी हाल वही है जैसा छोड़ के गया था। कार भी अब तक वही है। वो भी इसकी नहीं है मेरी है मेरी। आपकी नहीं आपके बाप की है। तू भी मेरे साथ चल तुझे भी लगा दूंगा अच्छा कमाएगा। लोडर वोडर नहीं बनना मुझे। ये लोडर वोडर नहीं बनेगा जी ये तो एयरपोर्ट का मालिक बनेगा या फिर सऊदी में जाकर तेल के कुएं खरीदेगा और चाहेगा कि हम उस कुएं में कूद मरे। मेरी माँ भी मुझे मारती थी और तेरी मिसाल देती थी कहती थी टीनू ये भी फर्स्ट आता है। आज ऊपर वाले का कर्म है कि मैं कहाँ से कहाँ आगे निकल गया और तुम लोग वहीं रह गए। गॉड इज ग्रेट बाय सी यू लेटर। ये तुम्हारा इंसाफ है बुरों का भला कराते हो और भले का भला नहीं कराते हो।
देखो देखो, मोहल्ले में खड़ा होकर सबके सामने बाप को भला बुरा बोलता है। आपसे नहीं, ऊपर वाले से कह रहा हूँ। अबे ऊपर नहीं तो? आपसे ऊपर भी एक ऊपर वाला है, तुम्हारा दुश्मन है। साहब, कभी कभी अपुन को लगता है कि तू ठीक बोलता है, भगवान भी हम गरीबों की नहीं सुनता है। आज भी अपुन का लॉटरी नहीं खुला। फिर किसकी खुली? यश चोपड़ा करके कोई है। देखा, जिनको पैसों की कोई जरूरत नहीं उन्हीं को पैसे देना, जिनको पैसों की जरूरत है उन्हें कभी मत देना। अरे पैसे कहाँ से दूं? तू चाहे तो माँ को बोल ये घर बेच दे। हाँ, और ले आ माँ बाप को सड़क पर बुढ़ापे में। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक रुपया दोगे वो 10 करोड़ देगा। तेरे भगवान के नाम से तेरी भगवान ही नहीं सुन रहा तो आदमी क्या खाक सुनेगा? भगवान को नेपियंसी रोड वार्डन रोड से फुर्सत ही कहा है जो यहाँ पे आके तेरी फुटपाथ पर सुनेगा। पैसे कमाना तुझे और नहीं तो क्या? तो रिमिक्स का है? काटा लगा चढ़ती जवानी, गाओ ना, गा के सुनाओ ना। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर नहीं जानी। रामा मिल गया। अरे बहुत बढ़िया, चलता हूँ। कम ऑन जाओ। अरे काटा लगा, अपने फॉर्मूला हरे के काम होते अपने। ये भिखारी अचानक कैसे कैसे गाने गा रहा था ना। मैंने उस साइड दिया, फिल्मी गाने गाएगा तो पैसे कमाएगा, वरना ऊपर वाले के नाम पर भूखा मर जाएगा। खाओगे? नहीं। तुम क्यों खाने लगे? तुम तो माँ के हाथ का खाना खा कर आए होगे। राइट। लेकिन आज बाबूजी ने खाना बनाया था। तुम्हारे बाबूजी भी खाना बनाते हैं? जी, उनके हाथ का नाश्ता कर लो तो दिन भर भूख नहीं लगती। समझी, लो सैंडविच पकड़ो खाओ। आज किस बात पे नाराज थे वो? उनको नाराज होने के लिए कोई वजह नहीं होती। घर पे बाबूजी से बातें सुनी, अब जाके बॉस बातें सुनाएगा। एपी अरुण प्रजापति द ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू, आपके लिए गुड न्यूज है। थैंक यू। मानो न मानो, हमने प्रोग्राम बंद कर दिया है। सर तो फिर मैं करूंगा क्या सर? वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम वेदर रिपोर्ट पढ़ोगे। मौसम, मौसम की जानकारी? और मैं? पश्चिम की गोवा तटवर्ती इलाकों में तूफान की आशंका है। हियर। नहीं सर, आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन सर। सर ये मौसम मौसम वेदर वेदर सर मुझसे नहीं होगा सर। आपसे तो मैं कह चुका हूँ, आप मेरी कुर्सी संभालिए सर। सर एक नया शो का आईडिया मेरे पास है। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अरे सर, बहुत कमाल का शो है सर, नंबर वन शो होगा, सब चैनल्स को पीछे छोड़ देंगे आप। अरे हमें नहीं चाहिए सर, ये दाढ़ी मूंछ और केस वाला शो नहीं है सर, तुमसे 10 times better सर, 10 times better। मुझे नहीं, आलिया को समझा दो। अगर वो आलिया? हाँ, वो अप्रूव करती है और गारंटी लेती है कि शो में गड़बड़ नहीं होगी, then I have no problem। बहुत गर्म है। पांडुरंगा बाबा। बोरेवली में किराएदार ने एक मकान मालिक को कुत्ते की तरह धो धो के घर से निकाल दिया। एक औरत के चक्कर में किराएदार ने एक मकान मालिक का गला घोट दिया। देवा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लोग तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ये मकान मालिक क्या चीज है। वैसे ये मकान मालिक बड़े बेवकूफ किस्म के होते हैं, जान ना पहचान किसी को भी घर रख लेते हैं थोड़े से पैसों के लिए, और वो भी बिना लिखा पढ़ी। वैसे बाबू भैया, आप गांव में घर है ना आपके? नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कल शाम ने आपको घर से निकाल दिया है? तो मेरा तो ठीक है, आप इस उम्र में कहां कुत्ते की तरह बढ़ोगे। देख राजू, जबान को लगाम दे, समझा? देखा, चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा क्या है देख लेना। एक दिन इसके नाम से इतनी सारी लौंडियां इस घर में आएंगी, आप तो घर से बाहर होने वाले हो। ए देख राजू, मेरी कुंडली में खून लिखा मालूम है ना? हाँ, मेरी कुंडली में भी लिखा है कि मेरे हाथों भी एक खूनी का खून होगा। कितना खून सवार है इसके सर पे, देख रहे हो कैसी गंदी गंदी बातें करता है ये आदमी। मेरी बात मानो तो एक सफेद कागज पे इसके दस्तखत लिखवा लो, वरना देखना खबर छप जाएगी अखबार में कि एक किराएदार ने शराबी मकान मालिक के सर पे बोतल मार के उसकी हत्या कर दी और सारा का सारा घर हड़प लिया। ए बहुत हो गया तेरा बकवास, चुप हो जा। बाबू आप इसे समझाइए। सच बात बोलता तो मेरे को कोरा कागज पे अपना दस्तखत दे तेरे बाबा।
आपको मुझ पे भरोसा नहीं? ये इसके दिल में खोट है। तेरे दिल में खोट है, मैं तो किराया देकर रहता हूँ, तू तो मुफ्त में रहता। हाँ तो मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो कर रहा तू। हाँ तो तू भी कर ना। हाँ तो कागज लेके आना तू। तू कागज ले। अरे मैं क्यों लेके आऊं? तू तुम दोनों के दोनों बाहर जाओ, पेपर लेके आओ, जाओ। इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ये लो, पेपर पे साइन किया है। इसने अभी तक नहीं किया, खोट है इसके दिल में। बताओ ना, साइन कर रे बाबा, साइन कर। तू कर ले साइन, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या हुआ? क्या हुआ? आपको गाना सुनाई दिया? गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन नहीं करने वाला। ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन करना, जल्दी साइन कर रहे, साइन कर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपको गाना नहीं सुना दे रहा? कौन सा गाना? साफ सुनाई दे रहा है। ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका बोरिया बिस्तर उठाओ, बाहर फेंक दो इसको। ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाना लगा ले, साइन कर रहे गाने। हेलो हेलो, देवी प्रसाद। नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे? सर वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। श्यामा देवी प्रसाद, देवी प्रसाद कूतरिया साल्या। क्या कर रही हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? नया अपॉइंटमेंट है। किसकी इजाजत से? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं। वो लड़की सर लड्डू। किस बात के? वो अनुराधा मैडम को नौकरी मिलने की खुशी में। अच्छा, तो लड्डू खिलाकर तुम सबको अपनी जेब में कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? तुम जाके मैनेजर से क्यों नहीं पूछते? जरूर पूछूंगा। अरे क्या कर रहे आप? इस कुर्सी पर मनमानी करने बैठे हैं? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या आपकी? आपने मेरी नौकरी उस लड़की को कैसे दी? एक मिनट, एक मिनट। इसका जवाब इस चिट्ठी में है। ये चिट्ठी अभी की है। मेरी चिट्ठी? जी हाँ, इस चिट्ठी में लिखा है कि फिलहाल मुझे इस नौकरी की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। अच्छा, तो फिर इस पर आपके दस्तखत कैसे आए? पहचानिए, ये सिग्नेचर, ये दस्तखत आपके ही है ना? देखिए देखिए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अरे क्या कर रहा? अरे सर, इसके पेट को फाड़ो, अभी लेटर बाहर आ जाएगा। अरे चुप यार, मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, आप रुकिए। अभी मैं देखिए अभी क्या करता हूँ, इस बैंक की हालत। मेरी बात सुनो भाई जरा। मैं सबसे कह दूंगा कि आपने रिश्वत लेकर इस लड़की को नौकरी दी है। हाँ, फिर यहाँ से दोनों को निकलवा दूंगा, ताकि यहाँ दो दो वैकेंसी हो, एक नहीं। अरे मैं फंस जाऊंगा यार, क्यों फंसा रहे हो मुझे? ऐसी बात है तो आप उस लड़की को स्थान से निकालकर मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। मेरे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? तुझे मैं बाद में देख लूंगा, पहले धोखेबाज को तो देखूं जिसने तुम्हें ये चिट्ठी दी थी। आज तुझे जान से मार दूंगा। बाबू भैया, बाबू भैया, अरे कहाँ हो तुम? आज तुझे जान से मार दूंगा मैं राजू। क्या कर रहा तू, पागल हो गया कि तू? अरे शाम क्या कर रहा तू? अरे लग जाएगी।
देवा राजू साला मैं 2000 रुपये का कांच तोड़ा रही है साला हरामी साला तुम यहाँ आवाज़ चाहिए बाबू भैया कांच तोड़ा अरे पागल हो गया साला ले लोड को धक्का मारते तू आवाज़ चाहिए बाबू भैया अरे मेरे घर में जो बच्चा है उसको बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है आवाज़ चाहिए बाबू भैया समझाइए इसे पहले मेरे को ये समझा कि इसको समझाना क्या है वो समझा जो कोरा कागज मैंने आपको साइन करके दिया था वो कहाँ है अरे कौन सा पेपर जो पेपर मैंने आपको साइन करके दिया था आपके भरोसे पर अरे भूल गया वो कबाट में रखा है ना उधर नहीं है ने? इस राजू ने उस लड़की को दे दिया और उसमें ये भी लिख दिया कि मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है अब पूछिए उससे अब हटिए बाबू भैया आप हटिए मत आप यही खड़े रहिए आप हटिए मत भैया बस ले गप्पा बस मैं इसे इसलिए जिंदा नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जेल जाने से डरता हूँ बल्कि इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को एक दिन नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ तुझा रे बाबा तुझा और याद रखना अगर आइंदा को तोड़ा फोड़ा तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा ये रामलाल कौन गली का कुत्ता हो वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 हाथ में आ जाती अपना रूप नहीं देखा उसने एक बात बता रहे वो कागज तूने चोरी किया ना तूने चोरी किया ना रवि साले अच्छा ये रखो कुछ लगा बगर नहीं, नहीं, नहीं तो फिर जोर से काय कुछ चिल्ला रहा है स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल ये बाबूराव का स्टाइल है आखिरी राउंड है बस ये राउंड भी जीतना है बेटे बेटे तुम एक ऐसी हिस्ट्री लिखने जा रहे हो जो आज तक हिंदुस्तान में कोई लिख नहीं सका फाइट इट एज इफ देयर इज नो टुमारो तू आ गया बेटे तू मेरे लिए आया ना हाँ मेरे पास बेटे सब कुछ ठीक जा रहा था करण हावी था उस पर आखिरी राउंड में पता नहीं क्या हो गया उसके पंच उस तक पहुंच नहीं रहे थे लगता था अभी गिर जाएगा मैं चाहता तो टावल फेंक कर मैच रुकवा देता लेकिन मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया करण को बचा लो बच्चे करण को बचा लो पापा करण ठीक हो जाएगा करण को बचा ले करण ठीक हो जाएगा पापा कुछ हो गया ना कुछ नहीं होगा मैं मर जाऊंगा कुछ नहीं होगा पापा कुछ नहीं होगा करण को बचा ले बेटे ये लोग मेरे साथ अच्छे थे मैंने इनकार किया तो जरूर करण के साथ इन्होंने कोई फाउल प्ले किया है बेटे क्यों ले आया उसे यार मैं पापा इस गेम का
कभी अपनी जबान पर नाम नहीं लूंगा बेटे। बस करण को बचा लो, करण को बचा लो। करण ठीक हो जाएगा पापा, वो ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पापा। एक ओंकार रखना परिता को रखना, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी से भम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगा। Karan? Doctor! Quickly call the doctor. It's an emergency. Auntie Ji. Karan Osh mein aa raha hai. मेरे बेटे, I'm sorry पापा, sorry पागल, sorry for what? मेरा शेर बेटा है तू, I love you. There are too many people in here. Let me handle this, George. I love you. Excuse me. जीते रहो बेटे. Excuse me, हमें अर्जेंट कुछ टेस्ट करने हैं, आप लोग प्लीज बाहर जाइए. Okay doctor, okay, okay. भैया, लोका, उसने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया था, मैं कुछ नहीं देख सकता था। Thank you for your support. Very well. Very well. I'll see you guys next fight. Ruka, have you cheated in the match? Who said that? I said it. You are a cheat. Are you crazy? You have put grease in the eyes of my son. What proof do you have? Where's your proof, huh? If I had the proof, you would have been behind the bars. Look who's talking, huh? You calling me a cheater? You people don't even know how to lace up the gloves. I'm not the cheater. You're the cheater. This man's accusing me of cheating. This guy has a 15-year ban for doping charges, and he's calling me you a cheater. You greedy dog. You can't do. Fix the mess with me. Official death. Yeah.
क्या क्या कर रहे हो बेटे तुम? हाँ तू बॉक्सिंग करेगा उसके साथ? नहीं बेटे, हम बॉक्सिंग नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे उसके साथ। I'll drag him to the court। ये आप कह रहे हैं पापा? आपको इंसाफ मिला? नहीं ना अंगद, हम उसके साथ बॉक्सिंग में नहीं जीत सकते। He's a world champion। और तुम्हें बॉक्सिंग छोड़े कर्सा हो गया बेटे? और ये कोई सड़क पर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। I know it's boxing, papa। Boxing needs stamina। I have stamina। You have stamina? Come, come on, come on, show me, show me। Let me see, कितना stamina है तुम्हारे अंदर? बस निकल गया तुम? 12 पंचेज में ये हालत है तुम्हारी, 12 राउंड कैसे लड़ोगे उसके साथ? पापा मेरे पास एक महीना है, मैं प्रैक्टिस करूंगा। एक महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी नहीं हो सकती बेटे। I will do it, papa, I will do it। Don't talk like a child। अरे तेरी उम्र में आके तो बॉक्सर रिटायर हो जाते होंगे पापा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी ने मेरे भाई को चीटिंग से हराया, दैट्स ऑल। अंकज तूने क्या मेरे खिलाफ जाने की जिद पकड़ रखी है? मेरा एक बेटा मौत से जूझ रहा है, मैं दूसरे को मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? बेटे तू नहीं लड़ेगा बेटे, फॉर गॉड सेक डोंट फाइट, डोंट फाइट। आई विल फाइट पापा। यू वॉन्ट? आई विल फाइट पापा। यू वॉन्ट? आई विल फाइट। यू वॉन्ट? आई विल फाइट। शट अप। I will fight. Go ahead. मरो, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। Die, die. बाबूजी। सिमरन, बहुत बेबस हो गया मैं। I don't want to lose him. अपना सिंदूर बचा सकती है बेटी तो बचा ले। बस अंगद बस, बहुत हो गया। यू आर नॉट गोइंग टू फाइट, आपको आर्यन की कसम है। अंगद कुछ और कहना है? तुम्हें कुछ कहना है? Yes। क्या आपके पापा को कोई हरा सकता है? नहीं। तो फिर मेरे पापा को कोई कैसे हरा सकता है? अपने तो अपने होते हैं। मिस्टर विक्रम, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विक्रम, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर। ऐसी बात मत कर मेरे यार। मुझे वो सब याद है जो तुमने मेरे लिए किया। आज भाई भाई के लिए नहीं करता जो तुमने किया। मैं तो कब से माँ से कह चुका हूँ, अब उसके एक नहीं दो बेटे हैं। विक्रम लेकिन तुम्हारी ठीक होने की खुशी सिर्फ मुझे और माँ को ही नहीं किसी और को भी है, सपना को। अरुण, पश्चाताप की आग में जलकर उसका प्यार और भी पवित्र हो गया। विक्रम कहाँ है सपना, कैसी है वो? तू उससे मिलना चाहता है ना, तो भाग, भाग जा यहां से। विक्रम वो लोग किसी भी वक्त तुझे यहां से ले जाने के लिए आ रहे होंगे। सख्त पैरा है बाहर, पर तू भाग, सपना कृष्ण मंदिर में तेरा इंतजार कर रही होगी।
क्या बात है सर? हम अरुण को हिरासत में लेने आए हैं। लेकिन सर, अरुण ने नेटवर्क के कातिलों को पहचान लिया, उनके पकड़े जाते ही सारा केस रीओपन हो जाएगा। लेकिन कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसके ठीक हो जाने के 3 दिन बाद उसे फांसी देने का ऑर्डर है। इंस्पेक्टर, टेक अरुण इनटू कस्टडी। सर। अरुण रुक जाओ, रुक जाओ अरुण। सर, सर अरुण भाग गया है। लेकिन तुम्हें तो मालूम होगा वो कहाँ है। आई डोंट नो सर। तो उसे पकड़ो। स्टार्ट द सर्च। क्या अरुण अस्पताल से भाग गया? कैसे भाग गया वो? ओ मामा, छपड़ा भी भाग गई। सपना, ये दुनिया हमें मिलने नहीं देगी, लेकिन मैं भी अब इस दुनिया को जीने नहीं दूंगा। अरुण, तुम्हें पूरा हक है उनके साथ वही सलूक करने का जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। You are under arrest. Mark! Chal chhodri! मारा मारी छोड़, हम तो गाना गाएंगे सपना। पीछा करो, चलो। उस तरफ जाओ, गिर जाओ। Yeah.
साड़ियों की दुकान भी जला दी। हाँ और दारू की भी। करो तुम, आप सब लोग मिलकर एक लड़के को, सिर्फ एक लड़के को नहीं पकड़ सकते क्या? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। कैसे बेफिक्र रहे हम? ये कोई लंका है जो उसमें आग लगाई जा रहा है? मैं अरुण की भलाई की बात करने आया हूँ बहन जी। इस आग को फैलने से सिर्फ आप रोक सकती हैं। आप उसको समझा दीजिए कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कमिश्नर साहब, आपने कभी अपना घर जलते हुए देखा है? उसने देखा है। आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। कर्नल साहब, आप क्यों नहीं समझाते? आप तो फौज में रह चुके हैं। फौज में तो हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कमिश्नर साहब, दुश्मन पर टूट पड़ो और उसका खात्मा करके ही लौटो। तो इसका अंजाम अरुण को भुगतना होगा। यहाँ जंगल राज नहीं चलता। कमिश्नर साहब, जलाने दीजिए अरुण को, समाज के इस हिस्से को। विक्रम, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने माँ से वादा किया, मेरे दोस्त, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुझे तेरी मोहब्बत मिलके रहेगी। मोहब्बत? मेरे दोस्त, आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। मैं जानता हूं। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? हाँ। किससे? सपना से। सपना? चौके है ना, दुनिया में एक ही सपना तो नहीं मेरे दोस्त। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम्हारी सपना के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं मेरे दोस्त, वो सिर्फ तुम्हारी है। और फिर तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे यार। लेकिन इस वक्त वो मामा ठाकुर की कैद में है और मैं उसे वहां से। नहीं अरुण, मैं उसे वहां से ले आऊंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी वर्दी पे तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगना चाहिए। ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दे। तूने मेरे घर को जलाया था ना, मैं तुझसे जुड़ी हर चीज को राख करता जा रहा हूं। हरामजादे, मैं तुझे बाबा
मैं तुझे भी जला दूंगा। वाओ एपी, डज दिस चेयर रियली वर्क? आलिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इस कुर्सी पर पहले बैठो। लेकिन मैं क्या बोलूं? जो तुम्हारा दिल चाहे। एपी, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि तुम्हारा ये शो बहुत 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 सक्सेसफुल हो जाए। ग्रीन लाइट चल गई। दिल से बोला है एपी के लिए। मुझे तो दो कुर्सियां नजर आ रही हैं शादी की, एक पे एपी बैठा है, एक पे आलिया। मैं भी जाऊंगा मुबारकबाद देने। दिस इज ग्रेट। जाऊंगा मुबारकबाद देने। दिस इज अमेजिंग। मनोज, ये शो एकदम हंगामा कर रहा है। यू जस्ट वॉच। शो कहां शुरू हुआ है? मैं ये शो होने नहीं दूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है हमारे नए शो की प्रेजेंटेशन का, और इस प्रोग्राम का नाम है झूठ बोले कौवा काटे। All the best, AP. Thank you. Slow. I think this is the right AP. सब लोग इंतजार कर रहे हैं। What are you doing? I know. कनेक्टर चेक किया? क्यों? Hurry up, please. अरे ढूंढ यार, ये क्या है? ये चल क्यों? मैंने कहा था ना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या करूं अगर इसका लैपटॉप खराब है? लैपटॉप खराब है? नो सर, एपी की डीवीडी खराब है। डीवीडी? सर आपका लक खराब है। आप बर्बाद हो गए सर। सब हर स्पॉन्सर्स, मीडिया, गेस्ट सब लोग हैं। ओह गॉड, एपी तूने ये क्या किया? सर इसकी बातें मत आइए सर। सर मेरी बात। शट अप, शट अप। रॉकी प्लीज कुछ करो, मेरी नौकरी और मेरी चैनल की इज्जत बचा लो। सर आलिया ने मुझे आइडिया सुनाया था। हाँ। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। हाँ हाँ। वो लगा दो? प्लीज प्लीज कुछ भी लगा दो, कम से कम सबके सामने अपनी नाक तो कटे से बचेगी। प्लीज पुट इट ऑन। Well done, Rocky. Shabash. Well done, Rocky. What a presentation. Fantastic. ये presentation तूने बनाया? तूने बनाया? तूने बनाया ये presentation? अरे ये क्या बदतमीजी कर रहा है? ये presentation मेरा है, मैंने बनाया। क्या? बड़े भाई, इतना बड़ा झूठ! अरे इसने चैनल की इज्जत बचाई और तुमने इसका गला पकड़ा? सर ये presentation मैं। सर, what? मुझे इस प्रोग्राम की कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। इसे डर है कि that I will replace him in his own show. सर, बड़े भाई, ये शो आप ही कर रहा? बिल्कुल नहीं, अब ये शो रॉकी ही करेगा। सर, और तुम गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट, आई सेड गेट आउट ऑफ हियर। और आज के बाद इस चैनल में अपनी शक्ल मत दिखाना। सर, एपी को अपनी सफाई देने का एक तो मौका दीजिए। अरे ये भी तो मौका तुम्हारे कहने पे दिया था मैंने, क्या हुआ? अभी जो आपने शो देखा उसके क्रिएटर हैं राकेश शर्मा, आपके रॉकी। थैंक यू एवरीवन। ये तावीज तुम्हारी पूजा करके ही बनाया था ना, तो रखो अपने पास।
एपी आ क्या बेटा तू? बेटा मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। यहाँ बैठे बैठे ईश्वर से तेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। तेरा शो ठीक से लॉन्च तो हो गया ना बेटा? सब ठीक तो है ना बेटा? अरुण क्या बात है, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, मेरी नौकरी भी चली गई। बाबूजी ठीक कहते कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। हेलो हेलो अरुण प्रजापति, सुना है तुमने रात को चैनल से नौकरी छोड़ दी? छोड़ी नहीं, लात मार के निकाल दिया गया। अगर तुम्हें नया जॉब चाहिए तो हयात होटल 18th floor 1801 में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। लो, कार भी तोड़ लाया, नौकरी से भी निकाल दिया गया। पता नहीं किस बात का बदला ले रहा है, बर्बाद कर देगा। अब आप जरा चुप रहिए, वो बेचारा वैसे ही परेशान है। बाबूजी, बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है कि वो भी गुजर जाता है, बस आप ही नहीं गुजरते। अंदर आ जाओ अरुण प्रजापति। Is anybody here? अरुण प्रजापति? Yes sir। बैठ जाओ। सर आपकी आवाज सुनाई दे रही, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। इंसानों को मुझे देखने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं अदृश्य हूं। अदृश्य, अदृश्य, अरे क्या मजाक है। खुद फोन करते हो और बोलते हो कि मिलने आ जाओ, और जब मैं आ गया हूं तो बोलते हो कि अदृश्य हो। कौन हो तुम? मैं गॉड हूं। अबे ये अपने आप को गॉड बोलने से कोई गॉड नहीं बन जाता। देखो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कल रात ही मेरी नौकरी गई है, दिमाग घुमा हुआ है और मत घुमाओ। तुम्हें सेट टाइम पे मजाक सोच रहा, आपको नहीं चाहिए आपकी नौकरी, जा रहा। Excuse me, ये जो 1801 में, ये कौन है? Sorry sir, यहाँ पे 1801 रूम ही नहीं है। अरे 18 माले पे राइट में। सर ये होटल सिर्फ 15 माले का है, 18 माले का नहीं। Are you sure? Of course sir. अरुण प्रजापति, अंदर आ जाओ।
देखना चाहते थे ना? देखो, इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे इंसान का रूप ही लेना था। ओ, मैं कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? यह ताबीज आपने कल मेरी तरफ फेंका था। अच्छा 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 अच्छा, तो कल रात आप वहां थे, मेरा फेंका हुआ ताबीज उठाया, मेरी बातें सुनी, मुझे फोन करके कहा कि अगर नौकरी की तलाश हो तो यहां पर आ जाओ। यहां पर आ गया, कभी आवाज सुना रहे हो तो कभी कमरा गायब कर रहे हो तो कभी कह रहे हो कि मैं गॉड हूं। अरे कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? अरे क्यों मानूं कि आप गॉड हो? ये आवाज क्या है? बहुत चनी पचनी आवाज। घबराओ नहीं, गिरोगे नहीं। ये सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल सॉलिड है। हाथ तुम छोड़ो मेरा प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। अब यकीन आया? तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम है, जब तक कोई चमत्कार ना दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। करेक्ट, लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे, ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना मैं बीमार था, फिर इतनी ऊपर दुनिया नीचे, क्या मैं ऊपर वाले मतलब कहीं मैं आपको प्यारा तो नहीं हो गया? नहीं। फिर आपने मुझे इतनी ऊपर बुलाया क्यों? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं, हाँ, जब से मैंने दुनिया बनाई है, अनगिनत इंसानों को बनाया, वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, यदा कदे जब कोई हादसा हो जाता है तो मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन तुम अकेले एक ऐसे इंसान हो, तुम्हारी गाड़ी का कांच फूट जाता है तो ऊपर देखकर चिल्लाते। तो करेक्ट तो है, मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वजह से, मेरा हर काम होते होते आप गाड़ देते हो। गौर जी की बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज, दुनिया में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है, कहते हैं कि आप दुनिया बना के भूल गए हो। मेरी दुनिया को मैं भूल गया? दुनिया में ऐसे सिर्फ दो ही बाप हैं जो औलाद पैदा करके उन्हें भूल गए, एक आप हो और एक मेरा बाप है। आप दुनिया को ऊपर से देखते हो, दुनिया के बीच में आके दुनिया को देखो, इंसान का दुख दर्द उनके बीच में रह के महसूस करो, क्या गुजरती है उस पर जब उसकी बहन घर पे कुंवारी बैठी रहती है, जब उसका प्यार उसे नहीं मिलता, जब उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप कहते हो कि हम सब आपके बच्चे हैं और आप बच्चे को परेशान करते हैं, शर्म नहीं आती? अगर सबके पास गाड़ी होती, बंगला होता, घर होता, नो टेंशन होती, सब खुशहाल होते तो सब आप ही को पूछते। मैंने जिसको जो दिया है उसके लिए वही अच्छा है, उसी में उसकी भलाई है। अरे लेकिन परेशानी तकलीफ से किसका भला हो सकता है? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप गॉड हो, इंसान नहीं। आपके सीने में इंसानों वाला दिल है ही नहीं, और इंसान को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, गॉड नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दुनिया को कोई इंसान चलाता तो मुझसे बेहतर चलाता। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं अपनी सारी शक्तियां तुम्हें देता हूं, आज से 10 दिन तक दुनिया तुम चलाओगे। आपसे तो डेफिनेटली अच्छी चलाऊंगा। ये क्या शोर है? दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं जो दुनिया भर के लोग मुझसे मांग रहे हैं, क्योंकि तुम गॉड बन गए हो तो तुम्हें सुनाई दे रही है। स्टॉप इट। अब जब मैं बोलूंगा तभी सुनाना। एक बात ध्यान रखना, तुम गॉड हो ये किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। ओके, डन। जो भी हूं, जैसा भी हूं, 10 दिन के लिए तो सिर्फ मैं ही हूं। सॉरी,
जीते रहो। क्या करा रहे तुम लोग यार? क्या बात है श्याम सेठ, आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। अच्छा, अगर कामयाब हुए तो, पन्ना तो कैरी की टोपी पहननी पड़ेगी। दे वाह दे वाह दे वाह, ये पनौती मत मार रे, मेरे को वापस दवाई लेना पड़ेगा। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। ये अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। साला किसको बोलता है रे तू? बाबू भैया मेरे को बोला, मेरे को बोला, वो मेरे को बोला, तेरे को बोला, मेरे को बोला। ये लो पहनो। बोलेगा नहीं साला। चलो 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 चलो, भूल जा। नहीं बोलने का। क्या बाबू भैया, आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा हलकट, ऐसा रुपया मटका चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? जा चश्मा ला मेरा। हाँ हाँ, चिल्ला क्यों रहे, ला रहा हूँ ना। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अगर आज पैसे मिल गए तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। राम राम सत्य। ओए रुको यार, मरने तो दो। कंश्याम, कंश्याम किधर? ये लो आपका। अरे आपकी तारीफ। खड़क सिंह। ओए खड़क सिंह, खड़क सिंह तो मैं हूँ, तू किधर का खड़क सिंह? ओए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। नहीं नहीं, खड़क सिंह तो आप है, हम तीनों तो शाम के दोस्त हैं। दोस्त है। आप तीनों की शक्ल मिलती है, जुड़वा हो? नहीं, हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहला जुड़वा थे फिर तड़के हैं। हाँ बराबर बराबर। हाँ उसको बुलाओ, कंश्याम को बोलो खड़क सिंह आया पहले लेने। आज अगर मुझे पहले नहीं मिले तो जितनी गोलियां इस बंदूक के अंदर सब की सब उतार दूंगा अपनी खोपड़ी में। नहीं नहीं, ऐसे मत करना, वो शाम तो निकल गया। निकल गया कहाँ? निकल गया, वो आपके गांव गया पैसे देने। ओए पर उसने तो आज मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ लेकिन उसको कल रात को ही पैसे मिल गए, तो वो कल रात को ही गांव चला गया। हाँ तो फिर मैं गांव भागता हूँ, नहीं तो फिर उसे कोई बहाना मिल जाएगा। और गड्डी स्टार्ट कर, चलो बैठो छेती। ओ बैठो फटाफट, चल जान बची तो लाखों पाए। अबे ढक्कन बंद कर। ये ढक्कन कहीं को डालते रे, चलो जल्दी। मैं मुकाम पे तो पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। रुको और इंतजार करो, वो जरूर आएगा। सर एक वाइट मर्सिडीज आ रही है। That's it. उसी गाड़ी में पैसे हैं। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाएं, मुझे फोन करो, मैं बच्ची को लेकर आ जाऊंगा। सर वो मर्सिडीज तो कहीं और गई। चली गई है तो कोई दूसरी मर्सिडीज आ जाएगी। कौन सी जगह है रे? आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये आवाज काहे की है? ये क्या कर रहे हो, पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? चार लीटर दारू पीने के बाद यही हाल होने वाला है इनका। ये राजो, ये राजो। अरे एक दूसरे का नाम मत लो। समझ गया समझ गया, राजू बराबर बोलते। ए श्याम तू सुना, राजू बोलते है, नाम नहीं लेने का किसी का, समझा ना तू? तो मत लो ना। हाँ? लगता है यही देवी प्रसाद है। कबीरा। हाँ हाँ कबीरा, अब पैसे लाए हो? हाँ। मेरी पोती कहाँ है? पैसे जल्दी लाओ। आपकी पोती आपको मिल जाएगी, पहले रुपये हमारे हवाले कर दो। ला मेरे को बैग में पैसा गिरा। पागल पर मत ए रुको, पुलिस बैग वापस करो। बैग लाओ। वो बेचारा खाली बैग मांग रहा है, पैसा निकाल और बैग दे दे। कमान 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 कमान, बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? नहीं बच्ची तो हमारे पास नहीं है। सीधी तरह से बताओ वरना शूट करना। नहीं, तुम्हें यहाँ
यहाँ किसने बुलाया? देवी प्रसाद चले जाओ। देवी प्रसाद मेरे साथी मामले में दखल मत दो। मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ, मुझे अपना फर्ज निभाने दो। मदद नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मेरी पोती चाहिए। आपको अपनी पोती मिल जाएगी। बताओ बच्ची कहाँ है, वरना तुम तीनों को फोन दूंगा मैं। मैं पूरा बताता हूँ। वो क्या हुआ कि हम लोगों को फोन आया, फोन में बोल ड्रॉप योर गन। भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। गाड़ी का ड्राइवर किधर ही रहे? अरे उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ। अरे चलो भागो ना। अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, आओ इधर जल्दी। क्या पागल बने देवी प्रसाद? गोली चल जाएगी। बाबा ये देवी प्रसाद ने पुलिस के साथ साथ लेडीज मिलिट्री भी बुलाई है रे। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नॉट यू, आप मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। अपने अपने हेलमेट उतार दो। उतर क्या है, हमको थोड़ा पैसे चाहिए था तो इन लोगों ने मेरे को फंसा। मैं ऐसा आदमी नहीं रहा बा। मैं कम ऑन, मैं उतरता हूं। उतरता हूं रे। लगता है ये कबीरा का फोन है। शाम, शाम मेरी बात सुन, इस फोन से बात करना बहुत खतरनाक है। उसे क्या कहना? हट जा राजू, शाम हट जा। हेलो दादाजी, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। हेलो मुझे बचा लीजिए दादाजी। सुन लिया देवी के प्रसाद, ये जो पुलिस को बुलाने की गंदी हरकत तुमने की है, उसके बदले में मैं चाहूं तो तुम्हारी पोती की टांगे तोड़ के उसे भिखमंगी बना सकता हूं या बनारस के किसी कोठे पर बेच सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बिल्कुल आखिरी। मैं दोबारा फोन करूंगा, मैं दोबारा फोन करके तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें पैसे लेकर कब और कहां आना है। लेकिन यह मौका मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। इस बार तुम्हारी पोती की कीमत होगी दुगनी, 20 लाख। हेलो हेलो शाम, क्या हुआ, क्या हुआ? काय झालं रे? आज हमारी बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान खतरे में है। मैं इस पाप का बोझ और नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, अब तू कहां जा रहा है? देवी प्रसाद को यह बताने कि वो अपनी बच्ची को बचा ले। मैंने कहा ना तू नहीं जा सकता। राजू हट जा। मैंने कहा ना तू नहीं जा सकता। हट जा। मेरा चश्मा, क्या
आया। अरे हल्का छोड़ दिया, छोड़ भैया, मैं जान से मार दूंगा, मैं जान से मार डालूंगा। हे बाबा देख, ऐसा खोटा काम करके ना उसको पैसा मांगता है ना मेरे को मांगता है, तो फिर तू काहे को जीत करता है? क्योंकि मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं उसे विद्याश्रम से ले जाके नए घर में रखूंगा।